हाय गाइस, गुड नून एवरीवन। देखिए बाप बेटे फादर्स डे की कितनी मस्ती कर रहे हैं। देखिए गाइस, रुको मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। मैं खुद एक मिनट गाइस, देखिए कैसे मस्ती हो रही है यहाँ पे। देखिए हैप्पी फादर्स डे गाइस, आरिफ की तरफ से, ममा की तरफ से, डैडा की तरफ से, सबको हैप्पी फादर्स डे। देखिए गाइस, बताइए आप लोग क्या क्या करने वाले हो आज फादर्स डे पे, अपने बच्चों के साथ कहाँ घूमने जाने वाले हो, बताना ज़रूर कमेंट करके। आज हमारा क्या प्लान है पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। आरिफ को कहा, आरिफ हमें कहाँ लेकर जाता है, आरिफ के हिसाब से हमें चलना पड़ता है आजकल। आरिफ को जो पसंद है वही करना पड़ता है। माई सन इज़ लाइक हैंसी हैंसी, उसको जो अच्छा लगता है वही करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो रूठ जाता है मम्मा डैडा से। फिर हाँ प्लीज़ नो, आई फॉरगॉट, दूध पिया है ना अभी उसने। देखिए गाइस इसकी मस्ती, देखिए इसकी मस्ती ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। डैडा जब आते हैं, रहते हैं घर पर, इसको हमेशा डैडा को डैडा के साथ खेलना पड़ता ही है, ऑल टाइम मस्ती। ये लड़का सोता कम है, मस्ती ज़्यादा करता है, और पढ़ाई भी करने लगा है, टच वुड, अभी तो स्टडी भी करने लगा है। ही सो एक्साइटेड टू गो स्कूल, वो इतना एक्साइटेड है कि कभी वो स्कूल जाएगा। क्राइटेरिया हुआ नहीं ना कंप्लीट अभी उसकी एज का, जैसे ही कंप्लीट होता है 3 इयर्स तब जाके उसे हम स्कूल में एडमिशन लेंगे। अभी तक वो एलिजिबल नहीं है, अभी सिर्फ वो प्ले स्कूल के लिए एलिजिबल है। बट मैंने इसलिए उसे डाला नहीं है बिकॉज मैं भी खुद एक टीचर थी पहले, तो मुझे पता है ना, मैं ट्यूशन्स लेती थी घर पे, तो बच्चों को कैसे ये करते ट्रीट, कैसे पढ़ाते हैं, तो मैं उसको सब सिखा रही हूँ, क्रेयॉन्स के साथ ईच एंड एवरी थिंग उसको बता रही हूँ, एक्स्ट्रा एक्टिविटी वगैरह करा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो उस हिसाब से उसको आता है। फिर अभी वो ऐसे फ्लुएंटली नहीं बोलता है बट वो समझता सब है, एंड ही इज़ लाइक पिकिंग अप दी वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स, थोड़े थोड़े वर्ड्स, मराठी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है। देखिए आरु से हाय टू व्यूअर्स, आरु ए आरु हाय बोलिए सबको, हाय हाय बोलिए। आरिफ आरिफ लामचाने, आरिफ लामचाने व्यूअर्स को बोलिए थैंक्स फॉर सपोर्ट।